ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ 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 ਡੋਗਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਵਾਪਸ ਉਹ ਮੈਂ ਫਰਾਸਗੋ ਹਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ सूरज जो है वो इस पहाड़ के पीछे जा चुका है जिस वजह से यहाँ पे जो है वो काफ़ी साया आ गया है और साये की वजह से झील सैफ हम लोग भी अभी काफ़ी सर्दी हो चुकी है। ये लड़के हमारी आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इतनी मेहनत मशक्कत के बाद भी जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि आग सही तरह से जली है तो जो गलती हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर टिक्के शिक्के लगाने की वो आप लोग ना कीजिएगा। यहाँ पे आग जलाना एक बड़े मुश्किल काम है क्योंकि हवा के अंदर बहुत ज़्यादा नमी है जिस वजह से जो है आग आसानी से नहीं जलती बल्कि जल भी जाए तो भी जो है वो उस तरह से जो है वो गर्मी नहीं देती जिस तरह से कि आम तौर पे होती है गर्मी आग की। तो इसलिए आप लोग ये रिस्क मत लीजिएगा। ये खूबसूरत व्यू आप देख रहे हैं झील सैफल मलूक का। अभी झील सैफल मलूक का ये जो रास्ता है अभी ओपन हुआ है जिस वजह से अभी इतने सयाह यहाँ पे नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आते हैं यहाँ पे हर साल। अभी भी ये देखें ये जो कश्तियाँ हैं अभी उन पर जो है वो काम कर रहे हैं। अभी ये कश्तियाँ जो है झील के अंदर नहीं चलाई जा रही। यहाँ पे जो शॉप्स वगैरह हैं उनका भी अभी ये काम जो है वो हो रहा है वो सामने हमारी जीप्स खड़ी हैं जिसके ऊपर हम आए थे और उसी के ऊपर हम वापस जाएंगे। इंतहाई दुश्वार रास्ता है आज हम रखी है ना उधर वेगे हां चक्की वेगे। ये देखिए हमारे टिक्के जो है वो काले काले हो रहे हैं काले काले वाह ओए होए होए फरहान साहब अबे कुड़ी है कोले तरह ये देखिए अड़ी आगे खड़ी हो भी पूछ गई